श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग गिरडी द्वारा जिला मुख्यालय के झंडा मैदान में बुधवार को दंतोपत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के अलावा अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेला की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गिरडी डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन होगी का नीचे ना अदरवाइज विकास विभाग के द्वारा जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा ये रोजगार मेला 2022 का ये आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें हम लोग यह कर रहे हैं कि हमारे जो भी नियुक्ता है या जो भी नियोजन करता है, चाहे वो गिरिडीह के हो चाहे वो राज्य भर के या देश भर के हों, वो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है और हमारे जो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको निबंधन और उनको रोजगार के अवसर दिलाने का ये काम कर रहे हैं। लगभग ऐसे 40 नियुक्ता ने आज निबंधन कराया, जिसमें कि लगभग 20 जो कंपनियां हैं वो गिरिडीह के हैं। हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से और SMS के माध्यम से हमारे यहाँ जो लगभग 6,000 ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं उनको SMS के माध्यम से और अन्य लोगों को आप लोगों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये सूचित किया है। और ये प्रक्रिया है, ये लगातार ये जारी रहेगा। आज जो भी निबंधित हो रहे हैं और इसके अलावा भी हम लोग के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो 6,000 ऐसे जो निबंधित हैं उनको हम लोग लगातार ये कंपनियों से वार्ता करके जोड़ने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के 75% आरक्षण संबंधी जो नीति बनाई गई है, इसके संबंध में भी हम लोगों ने हमारे जो यहाँ पे निजी कंपनियाँ उनके साथ में एक बैठक किया है, जो कि लगातार हम लोग करेंगे, जो कि इसका समीक्षा भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमारे सरकारी कार्यालयों में जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो स्टाफ रखे जाते हैं उनको भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी 3 साल का वक्त दिया गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग जोड़ सकें। आने वाले दिनों में कोडरमा जिला के साथ में हम लोग संयुक्त तौर पर एक रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार के जो NSDC है उसके द्वारा इसको नोडल के तौर पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग दें, जिसके लिए कि जिला समन्वय की जो DGS डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सोसाइटी और जिला नियोजनालय में भी जो हमारा कंप्यूटर लैब है उसमें हम लोग युवाओं को कुछ प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग एक छोटे स्तर पे ही हम लोग के जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनमें हम लोग अवकाश के दिन जाके कुछ करियर काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में 9 वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक बृहद पैमाने पर हम लोग आ सकें। अभी आने वाले दिनों में 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हम लोग एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स है वो सभी प्रखंडों में करा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पायलट या पेट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए, इसके फीडबैक को देखते हुए हम लोग